नमस्कार दोस्तों, निखिल कंप्यूटर जबलपुर आप सभी का स्वागत करता है। और आज हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में वोटर आईडी के लिए लिंक को चेंज कर दिया गया है। अभी हम nbsp.in इस लिंक से जाते थे, अब आप जब इस लिंक पे ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं ऊपर दिया हुआ है फॉर फॉर्म सबमिशन ऑफ असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना एंड उत्तराखंड, प्लीज़ क्लिक ऑन, और ये आगे लिंक दी हुई है। तो इन सभी राज्यों के लिए आपको नए पोर्टल से फॉर्म भरना है। तो किसी की वोटर आईडी आपको डाउनलोड करना है, या फिर किसी की नई वोटर आईडी के लिए अप्लाई करना है, या वोटर आईडी में करेक्शन करना है, या वोटर आईडी में मोबाइल अपडेट करना है, तो आपको इस नई लिंक से जाना है। तो यहाँ से आप किस तरीके से वर्क करेंगे उसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफाई बटन पर भी क्लिक करिए। और अब हमारे द्वारा फेसबुक में भी हमारा वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा, तो आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम आपको अब पूरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको nbsp.in पे जाना है, इसके बाद आपको ये साइट दी हुई है, इस साइट की डायरेक्ट लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हम नए टैब ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको एपिक डाउनलोड, ट्रैक, एप्लीकेशन स्टेटस, फॉर्म, पूरी प्रोसेस सब वही है जैसे आप पहले भरते थे। फॉर्म 8 भी आपको यहीं से खुलेगा, ये फॉर्म 8 है आपका, ये आप यहाँ फॉर्म में जाएंगे, इसके बाद आप यहाँ से फॉर्म 8 भर सकते हैं। इसमें आप वोटर आईडी करेक्शन कर सकते हैं, वोटर आईडी में मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, ये सभी आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसमें यदि आपके पास वोटर आईडी नंबर है तो आप यहाँ यस पे क्लिक करके कर सकते। सबसे पहले हम आपको आईडी किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है पहले हम वो बताते हैं। तो सबसे पहले आपको साइनअप पे जाना है, साइनअप पे जाके यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर कैप्चा और सेंड ओटीपी पे क्लिक करके सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं इसीलिए हम लॉगिन होकर सीधे दिखाते हैं। तो हम यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं अपने आईडी पासवर्ड से। और इसके बाद हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए हम यहाँ पे आ चुके हैं। लॉगिन होने के बाद सीधे हमको इस लिंक पे क्लिक करना है। ये हम इस लिंक पे आके अब यहाँ से हम लॉगिन होते हैं। हमें इस पोर्टल पे लॉगिन होना है, नए वाले पोर्टल पे। आईडी पासवर्ड आपका वही रहेगा जो आपने पुराने पोर्टल पे बनाया था। इसके बाद हम वेरीफाई करेंगे, ये हमारा कैप्चा वेरीफाई हो गया। अब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। आईडी पासवर्ड आपका पुराना वही रहेगा जो आपने पुराने पोर्टल पे बनाया था, और अगर आपने पुराने पोर्टल पे नहीं बनाया तो आप नए पोर्टल में आके आईडी पासवर्ड बना लीजिएगा। फिर यहाँ हम एपिक डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम एपिक नंबर डालेंगे, स्टेट डालेंगे, सर्च करेंगे, और हम यहाँ से एपिक डाउनलोड कर सकते हैं। वोटर आईडी हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं होम पे जाएंगे, होम पे जाने के बाद ये फॉर्म 8 है, तो यहाँ हम फॉर्म पे क्लिक करेंगे। फॉर्म पे क्लिक करने के बाद ये फॉर्म 8 खुल जाएगा। यहाँ पे अगर एप्लीकेशन आप अपने खुद के लिए भर सकते हैं तो सेल्फ कर दीजिए। वहीं आप अगर MP ऑनलाइन और CSC संचालक हैं तो आप अदर इलेक्ट्रिसिटर में करके आप यहाँ पे एपिक नंबर डाल के आप किसी अन्य व्यक्ति का भी यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन आपको आईडी पासवर्ड रजिस्ट्रेशन बनाना पड़ेगा। ये हमारा सेल्फ का एपिक है इसीलिए सेल्फ का मैसेज दे रहा है। वहीं आप किसी और की वोटर आईडी डाल के देखेंगे तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आप पार्ट नंबर, जो भी उनका पार्ट नंबर और सीरियल नंबर, वो सभी डाल के आप यहां से उनका फॉर्म 8 भी भर सकते हैं। तो आपको अब मध्य प्रदेश के अगर हैं तो आपको इस नए पोर्टल पे पूरा काम करना है वोटर आईडी का। पुराने पोर्टल में ये इतने राज्यों के लिए, ये जो ऊपर दिए हैं इतने राज्यों के लिए पुराने पोर्टल में काम करना बंद कर दिया गया है, तो इतने राज्यों के लोग अब इस नए पोर्टल में जाके काम करेंगे। नए पोर्टल की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगी। तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जुड़े रहिए निखिल कंप्यूटर जबलपुर से, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।